लाहौल स्पीति को जोड़ने के लिए बनी रोहतांग टनल बनकर तैयार हो गई है और 29 सितंबर को इस टनल का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। वहीं इस टनल को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस टनल का नाम अटल रखने पर सवाल खड़े किए हैं और टनल का नाम इंदिरा गांधी या स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की सलाह दी है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि इस टनल का सपना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देखा था और 2010 में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस टनल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस टनल के लिए राशि जारी की थी। उन्होंने कहा कि इस टनल के निर्माण में बीजेपी सरकार का कोई योगदान नहीं है और न ही पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का इस टनल के निर्माण के लिए कोई योगदान रहा है, लेकिन मोदी सरकार और प्रदेश सरकार पूर्व सरकारों के कार्यों का नाम अपने नेताओं के नाम पर रख रही है, जबकि इस टनल का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर या किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाना चाहिए, लेकिन अटल के नाम पर रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। बता दें, रोहतांग टनल का कार्य यूपीए के कार्यकाल में शुरू हुआ था और इस टनल का काम पूरा हो चुका है और इसी महीने पीएम मोदी इस टनल को जनता को समर्पित करेंगे, लेकिन इस टनल का नाम अटल के नाम पर रखने पर सियासत गर्मा गई है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलर। ये बड़ी त्रासदी इस देश की कि इस देश में जो भी अच्छा काम हुआ है, चाहे अतीत में हुआ है, वर्तमान में हुआ है या भविष्य में होने वाला है, उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी जो है लेना चाहती है। और ये एक समय आने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहने वाले हैं कि महात्मा गांधी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में उनकी अहम भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये टनल है, इसका जो सपना था वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देखा था और वो दो टनल और भी लाहौल स्पीति में बनाना चाहती हैं थी, तो उनका सपना था कि ये टनल बने और इसको मूर्त रूप जो है कांग्रेस की सरकार ने दिया। हमारी जो यूपीए की चेयरमैन है वो 28 जून 2010 को उन्होंने शिलान्यास किया। उनके उस समय के जो हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री एंटनी साहब थे वो भी उनके साथ थे, माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी भी उनके साथ थे। तो उस समय जो है शिलान्यास जो है इसका किया गया। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है पूरा पैसा जितना भी आवंटित हुआ वो यूपीए की सरकार में हुआ और इनका तो कोई योगदान नहीं। अब मुझे इस बात की भी हैरानी है कि इस टनल का नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा जा रहा है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में मैं कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इस टनल में उनका कोई योगदान नहीं रहा। खाली जो एक सड़क का उन्होंने शिलान्यास किया जो इस टनल तक जाती थी, उसके अलावा उनका कोई योगदान नहीं इस टनल के बनाने में रहा। अच्छा होता कि इस टनल का नाम इंदिरा जी के नाम पे रखा होता, या क्योंकि कांग्रेस के नेताओं से तो इनको बहुत ज्यादा छेड़ है, या किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा होता, लेकिन अटल जी के नाम पे रखना जो है कोई औचित्य बनता नहीं।